गाइस रूम टूर करवाते हैं आपको। देखो ये गुरुद्वारा साहिब, तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा। मोमो मैक्स में आ चुके हैं, इधर हम खाएंगे, ट्राई करते हैं। पहले स्प्रिंग रोल खाएंगे, देखते हैं मोमो भी खाएंगे, आपको दिखाते हैं। गाइस मेरे को ना बैठा हूँ, मेरे को फील आ रहा है कि ये गद्दा शायद तक ना बैठ भी बन सकता है। पता है कैसे कैसे बताओ ये देखो, यहाँ से ये कुछ पार्ट्स हैं थोड़ी सी अलग से हो रखे हैं। हाँ। मेरे को ऐसे लग रहा है, ट्राई करके देख। बैठ। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस देखो रेडी हो गया हूँ, सब एक गुरुद्वारे साहब जा रहे हैं, आपको दर्शन करवाते हैं और बाकी इधर छोटे मोटे और गुरुद्वारे उधर आपको दर्शन करवाऊंगा, बाकी देखते हैं। चलो चलते हैं अभी गुरुद्वारे, आपको दिखाता हूँ पूरा अच्छे से। देखो हमारा जो रूम है ना, इससे जस्ट सामने इधर लंगर हॉल है, ऐसे देखो ये लंगर हॉल है अंदर, और इधर से गुरुद्वारा जाने का रास्ता। गाइस ये गुरुद्वारे की मेन एंट्री है। ये निशान साहेब है, ये रात वाला, ये अभी दिन का सीन है, रात को हम यहीं पे बैठे देखेंगे। रात का भी दिखाएंगे लेकिन अभी आप दिन का देख लो। रात को भी वापिस आएंगे, रात में बहुत मस्त अच्छा चमकता है, बहुत मस्त चमकता, लाइटिंग जलती है। अभी धूप इतनी है कि आंखें वगैरह बंद हो गई है। ये सामने ये मेन एंट्री है, मेन एंट्रेंस है, एंट्रेंस है। ये देखो ये गुरुद्वारा साहेब, तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा, गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा ये। गाइस ये हम नजर आ चुके हैं, अब हम नजर सकेंगे। अभी हम लस्सी पीने जा रहे हैं, रिंकल भाई ट्रीट दे रहा है भाई, गर्मी बहुत हो चुकी है। हाँ कल मैं आया था ना, कल मैं इधर ही आया था तो मैं अकेला के आया था, मैंने चेक की थी यहाँ पे, मैंने ट्राई करके देखते हैं, मैं चलो तो मेरे को बड़ा मस्त एकदम बढ़िया लस्सी थी। अब तो अभी ये सभी चल रहे हैं, अभी एक बार इनको पिलाएंगे। हाँ फिर देखते हैं इनका रिव्यू लेंगे कैसे लगी इनको, देखते हैं। तो मिलते हैं सीधा दुकान पर। लस्सी लस्सी लस्सी
लस्सी आ चुकी है, अभी इसको टेस्ट करते हैं। गाइस पहले टेस्ट मैं करूंगा। नाइस, अभी आप बताओ भाई। सारे लोग टेस्ट करके बताओ। रिंकन जी, मेरी तो ऑलरेडी टेस्ट की हुई है, पर फिर से एक बार मैं फेक रिव्यू दे दूँ। मस्त है, मस्त, एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मामा जी बढ़िया 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 एकदम। अभी हम ये वाला रूम खाली कर रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं दूसरे रूम में। अभी हम जा रहे हैं घर पे नहीं, दूसरे रूम में जा रहे हैं। गाइस रूम टूर करवाते हैं आपको। ये है हमारा रूम, देखो गाइस इतना बड़ा है, 3 डबल बेड है, इसके अंदर हम सारे आराम से आ जाएंगे। और इतने शीशे लगे हैं, कुछ मतलब हर एक यहाँ पे, मतलब 4 जने एक साथ पगड़ी बांध सकते हैं। यहाँ पे एक आपके पीछे ये रहा, एक इधर भी है, ये इधर भी, वाओ। और इधर ये बालकनी भी है, इधर बालकनी भी दिखाई देते हैं। चलो खुल नहीं रही है, क्या बात है, इधर से बालकनी। और ये रही, इधर कपड़े वगैरह, कपड़े यहाँ पर सुखाने के लिए, कपड़े ये बालकनी भी औसम है। फिर ये देखो भाई, एसी देखो ऊपर है, सीलिंग वाले एसी है। और इधर ये भी है अलमारी, देखो भाई कितनी बढ़िया है। एक तो यहाँ पे एकदम लग्जरी वाला है बिल्कुल। एक और बाथरूम, नाइस, डबल एक जगह थी। ओ हो हो हो, क्या बात है, ये तो बढ़िया लग रहा है। मामा कैसा लगा आपको बताओ भाई। मामा जी बताओ आपको रूम कैसा लगा। रूम अच्छा है भैया, बताओ बढ़िया है ना। आपको कैसा लगा आप बताओ। हमको तो बहुत अच्छा लगा, तो बढ़िया लगा, तो बढ़िया। मेरे को ना बैठा हूँ, मेरे को फील आ रहा है कि ये गद्दा शायद तक ना बेड भी बन सकता है। पता है कैसे बताओ। ये देखो यहाँ से ये कुछ पार्ट्स हैं, थोड़ी सी अलग से हो रखे हैं, मेरे को ऐसे लग रहा है। ट्राई करके देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं। इसको ऐसे सीधा कर देते हैं, सीधा करो, सीधा बोलो यार, ये तो बढ़िया है, बेड बन गया बेड। वाह जी वाह, इधर भाई, इधर रिंकल ही सोएगा, ये तो बेड बन गया भाई। प्रभ जो दे पे सोएगा। ओए दो गद्दे भी हैं गाइस पहले से ही, अगर कोई सोना हो तो। गाइस अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारा कंगन साहब, ये गुरुद्वारे से नजदीक है। अभी फ्री टाइम था तो हमने सोचा गुरुद्वारे के दर्शन कर लें, मतलब 8 किलोमीटर दूरी पे ही है, तो अब हम जा रहे हैं, तो आपको फिर गुरुद्वारा दिखाते हैं, चलो आपको भी दर्शन करवाते हैं। ये देखो ये शॉर्टकट रास्ता है गुरुद्वारा जाने के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा, ये तो हाँ गोविंद घाट है, कंगन घाट इसी को कहते हैं। अच्छा कंगन घाट, ये देखो गाइस कर करते हुए गुरुद्वारा साहब कंगन घाट जी दे दर्शन कर रहे हो। ये भी जगह भागा वाली है, गुरु जी इतने खेडिया करते, खेडद्या गुरु जी का कंगन गंगा विखे डिग पिया। बोलो सतनाम नाल दे बचिया ने माता। गाइस अभी हम जा रहे हैं गंगा रिवर, गंगा घाट भी हमने गुरुद्वारे के दर्शन कर लिए। अब हम गंगा नदी देखने जा रहे हैं, देखते हैं कितनी बड़ी है। मैप में तो बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही थी, बाकी लाइव देखते हैं कैसा दिखता है, और आपको भी दिखाते हैं। ऐसे देखो अभी हमारी एंट्री हो चुकी है, और सामने जो कैसे ब्रिज भी बना हुआ है रिवर के ऊपर। गाइज ये वही नदी है जो बाबा जी ने बताया था, जिधर मतलब कंगन गिर गया था, ये पीछे हमारे वही नदी है जो हम देखने आए हैं, गंगा रिवर, गंगा घाट बोलते हैं वैसे इसको। गाइज अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारा बालीला जा रहे हैं, हमारे रूम के बिल्कुल नज़दीक ही है, और बीच में बाजार भी आ गया, आपको वो भी दिखाते हैं। ये देखो मार्केट शुरू हो गई है, ऐसे गलियों में ऐसे मार्केट लगती है पूरी, है देखो पूरा अंदर तख्त साहिब तक लगती है, अंदर गलियों में मार्केट है देखो। ए टू जेड सामान मिलते हैं, खाने पीने का हो गया, जशन 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 जशन।
गाइस ये छिपकली नकली हम ये लेंगे। ये देखो इधर सारे गुरु के सामान मिलते हैं, श्री साहब वगैरह। ये जो छिपकली है ये आपको प्रभजोत जैसी नहीं लग रही थोड़ी? दिखाओ दिखाओ। देखो गाइस ये गुरु के साथ, ये देखो गुरु इसको खा भी रहा है। हमने छोटे बाबू के सिर पे रख दिया। देखो आपको दिखाता हूँ मैं, रुको छोड़ो इसको, बिल्कुल सेम लग रही है। अभी हम खा रहे हैं पानी पूरी, मार्केट में है एक स्टॉल, खाए खा रहे हैं। यस यस, चलो भाई बनाओ पानी पूरी। खाओ खाओ, पहले आप खाओ। ये गोलगप्पे हल्के हैं, ये टूट गए ऐसे, ये देखो। खाओ खाओ अभी, जैसे भी खाओ भाई, मेरी राय अभी। क्या बोलेंगे? गाइस गुरुद्वारे के अंदर जा रहे हैं। जैसा आपने पहले वाले व्लॉग में, जो इससे पहले वाला जस्ट, उसमें हमने देखा था कि हम अलग सना में रह रहे थे, नहीं रहने वाले। उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा नया नया ट्राई करते हैं, एक्सप्लोर करना भी जरूरी है, तो हमने फिर सोचा कि ये वाली जगह एक्सप्लोर की जाए। ये देखो गाइस माउंटेन है, एकदम बढ़िया है, मस्त। ओह इतना ऑसम बना के रखा गाइस, ये देखो इतना मतलब ज़बरदस्त दिख रहा है, इतनी लाइटिंग्स वगैरह जग रही है। ये गुरुद्वारा साहिब है और देखो सामने कितना ऑसम है, आए हाय, मतलब मजा आता है भाई। अगर आप इधर आ रहे हो ना तो इधर आके स्टे करो। मैं तो यही कहूंगा भाई, अगर तुम्हें रूम मिल रहा है मैं तो 100% इधर ही आओ, वरना बाली लाने आओ। ये चीज तो देखो आप, चेक करो, चीज चेक करो, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, बढ़िया लाइटिंग है। ये देखो सुबह के टाइम भी, सुबह का टाइम भी अच्छा रहता है, शाम के टाइम में भी अच्छा रहता है, हरियाली बहुत है चारों तरफ। जैसे अभी यहाँ पे इधर मेज भी है, वैसे अभी थोड़ी देर बाद जब चले जाएंगे ना फिर हम बैठेंगे यहाँ पे। ये देखो इधर बैठने का भी सुविधा है, ये सामने देखो, इसके अंदर एक कैफे भी है। हाँ, आप इधर जाके, अभी मेन चीज वही कैफे है। हाँ, चलो अभी हम जा रहे हैं अंदर कैफे में, और कैफे और अंदर बैठने का जो सिटिंग है ना एरिया, वो इतना ऑसम है, तो क्या बात है। अभी अंदर जाएंगे ना आपको ऐसा लगे कि हम कोई गुरुद्वारे की रिहाइश में नहीं, बल्कि एक होटल में आए हैं। होटल वाली चीज देखो, इसकी एंट्रेंस ही इतनी ऑसम है। ये है गाइस बैठने की जगह, ये वेटिंग रूम है। हाँ, सामने कैफे, आप इधर से लेके इधर एंजॉय कर सकते हो। अभी जो मेन चीज है वो यहाँ पे कैफे ही है, क्योंकि कोई भी रिहाइश में होता नहीं है वैसे, है ना, कैफे नहीं होता है ना। लेकिन ये इधर 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 देखो, ये कैफे है, वैसे होता नहीं है, एकदम बढ़िया, एसी लगा हुआ है इधर। हाँ, और एक जस्ट यहाँ पे ये सोफे वगैरह है बैठने के लिए, और क्या बात है जी, क्या बात है, मजा मार रहे जी, ऐश कर रहे हो। इधर आओ भाई, बालीला में आओ, एंजॉय करके जाओ भाई पटना साहिब में। गाइस ये देखो हमारे रूम से कैसे दिखता है पूरा व्यू, क्या ऑसम है। देखो इधर भी पूरा प्लांट्स लगे हुए हैं लाइन से, ऐसे लाइटिंग्स वगैरह, यहाँ से देखो फाउंटेन कैसा दिख रहा है, ऑसम है यार, मतलब। गाइस अभी हम जा रहे हैं सारे लोग कुछ खाने पीने के लिए, मोमो मैक्स में आ चुके हैं, इधर हम खाएंगे, ट्राई करते हैं, पहले स्प्रिंग रोल खाएंगे, देखते हैं मोमो भी खाएंगे, आपको दिखाते हैं। ये देखो बन रहे हैं हमारा स्प्रिंग रोल, वो आ गई, हुआ क्या हुआ। गाइस आप देख सकते हैं हमारी प्लेट आ चुकी है स्प्रिंग रोल की, और एक चटनी है, और ये मोमो है, अभी ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं स्प्रिंग रोल। आवे तो पूरा बात करो ना, पूरा दे दे, टेस्ट करो भाई, ये कर कर भाई, टेस्ट करो करो करो, पूरा टाइम पे लगा, पूरा दे दे लाके, क्या दिक्कत है, पानी हो रहा है, पियर भैया पियर, पानी मोमो की बारी है, ये बोले का पियर लगे वीडियो का भाई, चटनी बढ़िया। गाइस अभी सेकंड आइटम आ चुका है पाव भाजी, अभी टेस्ट करते हैं इसको,
ले साथ में थोड़ा ऑनियन भी। रुक जा यार, रुक जा। हाँ वो कट नहीं है, तुमने झूठ मत बोले यार, ऐसे कर रहा है नहीं यार, नहीं मतलब ये जो चीज है ना, ये बहुत ठीक है, बर्गर है। गाइस अभी हमारी प्लेट आ चुकी है छोले भटूरे की, बठिंडे में तो अच्छे नहीं थे लेकिन अभी इधर टेस्ट करके देखते हैं कैसा रहता है। और निकलवाना है तो बता दीजिए। हाँ बता दे, ठीक है, बठिंडे से तो अच्छे है भाई। तो गाइस अभी गुरुद्वारे से अब जाते हैं, आपको दिखाता हूँ रात का कैसे व्यू रहता है। आ चुके हैं, देखते हैं अभी इधर कुछ ठंडा वंडा पीते हैं भाई। ये देखो भाई कुछ पीते ठंडा वंडा, कैफे के अंदर खड़े हम अभी। गाइस ये देखो हमने ले लिया, हमने पहले काफी ट्राई किया, स्ट्रीट फूड ट्राई किया है, तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि आज डे का जो एंड है वो हम करेंगे दो ब्रांड से, वो है थम्स अप और पेप्सी, है ना जशन, बता। और इनके साथ भी फुली एक्साइटेड, जशन को दिखाओ, जशन हमारा फुल एक्साइटेड है, जशन पेप्सी। कुरकुरे भी ले लिया, टू यम्मी जैसा नैश मार ये ले ब्लैंक यंग ब्लॉगर। चलो गाइस अभी इसको पीते हैं और खाते हैं, बढ़िया कुरकुरे खाते हैं। आज का दिन काफ़ी बढ़िया गया, काफ़ी बढ़िया गया, एक्साइटमेंट। चलो गाइस फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।